Hello dear students, good morning all of you and welcome all of you to this class. I am your physics teacher Vikas sir. और आज जो हम जो physics का chapter 1 है electricity वाला उसको discuss करने वाले हैं और आपको already पढ़ाया जा चुका है that Rupali ma'am has already taught the topic of this chapter 1. So आज हम क्या करने वाले हैं जो important question है जो previous year board exam में पूछे जा चुके हैं इस chapter से related वो कुछ important question discuss करने जा रहे हैं और जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है इस पूरे चैप्टर में दैट इज़ दी ओम्स लॉ. हम पहले समझेंगे कि ओम्स लॉ क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है, फॉर्मूला क्या है और उसका एप्लीकेशन, बहुत सारे उसके एप्लीकेशन होते हैं आपके डेली और प्रैक्टिकल लाइफ में भी आप उसके एप्लीकेशन देख सकते हैं. तो हम पहले समझेंगे कि ओम्स लॉ क्या है. तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन. देखिए इसकी डेफिनेशन में क्या लिखा है. एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट. तो देखिए डेफिनेशन में क्या लिखा है. एक कंडक्टर हो सकता है. कंडक्टर का मतलब क्या होता है, जो कंडक्ट करे इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है किसी भी ऐसा मेटल से जो करंट को इजीली फ्लो करा सके, जैसे कॉपर वायर, एल्यूमिनियम, आयरन और बहुत से इस तरह के कंडक्टर हो सकते हैं. तो एक कंडक्टर हम मान लेते हैं, ये देखिए एक वायर है, ठीक है. तो ये एक स्ट्रेट वायर है. अब ये इसको हम मान लेते हैं, मान लीजिए कॉपर का बना हुआ. तो ये कंडक्टर है हमारा और इसमें से करंट फ्लो होगा. तो ये अपने आप तो करंट फ्लो नहीं होगा. अगर आप चाहते हैं कि इसमें से करंट फ्लो हो तो वी हैव टू कनेक्ट दिस कंडक्टर टू अ वोल्टेज सप्लाई. वोल्टेज से आपको कनेक्ट करना पड़ेगा. तो आपको एक एंड को इसको पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरे एंड को इसको नेगेटिव टर्मिनल ऑफ ए बैटरी से आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, तब ये करंट फ्लो होगा. तो मान लेते ये वायर है, इसको वायर को हमने यहाँ से एक्सटेंड कर दिया और इसमें यहाँ एक बैटरी लगा दी. देखिए ये एक बैटरी, ये बैटरी का सिंबल है, ठीक है. एक बड़ी लाइन, एक छोटी लाइन, ये बैटरी का सिंबल होता है. तो जो बड़ी लाइन है ये रिप्रेजेंट करती है पॉजिटिव साइन ऑफ द बैटरी और नेगेटिव लाइन रिप्रेजेंट कर, सॉरी छोटी लाइन ये रिप्रेजेंट करती है नेगेटिव साइन, नेगेटिव पार्ट ऑफ द बैटरी. तो आप कभी भी बैटरी अगर आपने देखा या जो घड़ी का जो सेल होता है आप देखेंगे उसमें प्लस माइनस आपको टर्मिनल दिखते हैं. तो ये वही टर्मिनल है, प्लस और माइनस. और इसको हमने अगर एक वायर से कनेक्ट कर दिया तो इस वायर में क्या होता है, करंट फ्लो हो सकता है, ठीक है. तो करंट कैसे फ्लो होता है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल में, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, ठीक है. तो अब ये करंट कितना फ्लो होगा, जितना वोल्टेज का आपका बैटरी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा करंट. अगर ये ज्यादा वोल्टेज, मान लीजिए इसका कुछ वोल्टेज है वी, अगर ये वी वोल्टेज ज्यादा है, इनके बीच का जो इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं ना, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच, अगर ये वी की वैल्यू ज्यादा है तो करंट ज्यादा होगा. यदि आपको ज्यादा करंट चाहिए तो ज्यादा पावर वाला बैटरी, ज्यादा वोल्टेज वाला बैटरी यूज करेंगे. तो इसका मतलब क्या, डेफिनेशन क्या करिए, अगर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट हो इस कंडक्टर, इस वायर का, तो जितना ज्यादा वोल्टेज होगा उतना ज्यादा करंट फ्लो होगा. या हम ऐसे कह सकते हैं करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, या वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट. तो हम कह सकते हैं वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई. यहां पे जो वी है ये रिप्रेजेंट करता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर और आई क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट द करंट अक्रॉस द कंडक्टर. ये करंट है, देखिए आई का सिंबल है, करंट का सिंबल है. अब ये जो साइन है इसे हम कहते हैं प्रोपोर्शनैलिटी साइन. और फिजिक्स में हमेशा जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन होती है तो हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए उसमें हम एक कांस्टेंट अप्लाई करते हैं. तो यदि ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हम हटाते हैं और इसको हम इक्वल साइन में बदल देते हैं तो यहां पे एक कांस्टेंट आ जाता है और इस कांस्टेंट को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है. तो ये है एक फॉर्मूला बन जाता है और इस फॉर्मूले को ही हम कहते हैं ओम्स लॉ. यही फॉर्मूला है ओम्स लॉ. और इसमें V जो है वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर है, I जो है ये करंट है और R जो है एक कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है और इसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है. तो ये जो रेजिस्टेंस है इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर. रेजिस्टेंस का मतलब है द ऑब्स्टेकल टू द पाथ ऑफ द करंट, कि कोई कंडक्टर क्या है इजिली करंट को फ्लो करवाने देता है और कोई कंडक्टर है इजिली नहीं करवाने देता. इसलिए कुछ कंडक्टर अच्छे कंडक्टर होते हैं और कुछ कंडक्टर उतने अच्छे नहीं होते. इसलिए जैसे आप देखेंगे जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है या जो आपके घरों की वायरिंग है वो कॉपर या एल्यूमिनियम से की जाती है क्योंकि वो अच्छे कंडक्टर माने जाते हैं, इजिली फ्लो कराते हैं, उनका रेजिस्टेंस कम होता है. जो अच्छे कंडक्टर नहीं होंगे उनका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा और उसमें करंट अच्छे से फ्लो नहीं होगा, ठीक है. और ये रेजिस्टेंस जो है इसकी एक यूनिट भी होती है, इसकी जो यूनिट होती है उसको हम ओम्स बोलते हैं,
ठीक है, इसको हम ओम्स बोलते हैं और इसका ये सिंबल है, देखिए इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हर वायर में रेजिस्टेंस किसी में कम किसी में ज़्यादा होता ही, हर कंडक्टर में रेजिस्टेंस होता है, कोई भी कंडक्टर बिना रेजिस्टेंस के नहीं होता। और एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, एक कंडक्टर ऐसा जिसे हम सुपर कंडक्टर कहते हैं जिसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं होता, जीरो रेजिस्टेंस होता है, लेकिन वो अभी तक हम उसको अचीव नहीं कर पाए। जिस दिन वो अचीव हो जाएगा उस दिन आपको करंट जो भी पावर सप्लाई फ्री में मिलने लगेगी, लेकिन अभी तक उसको हम अचीव नहीं कर पाए। और जो आपके घरों में जो करंट आता है पावर आती है हमको इसलिए देना पड़ता है, किसलिए देना पड़ता है, इस चीज के वजह से, रेजिस्टेंस के वजह से, क्योंकि आप पावर स्टेशन से आपके घर तक करंट लाने के लिए बहुत सारा रेजिस्टेंस से उसको गुजारते हुए लाना पड़ता है और उसी का कॉस्ट आपको देना पड़ता है। तो ये था ओम्स लॉ और इसका जो हम एप्लीकेशन अलग अलग केसेस में करते हैं। तो आगे देखते हैं कि हम कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं इन केस ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो अब हम देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस दो तरह का होता है जनरली, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में किस तरह का उनमें डिफरेंस है और उसमें किस तरह से जो है ये काम करता है, तो सबसे पहले हम देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, जो वायर या रेजिस्टेंस है दे विल बी कनेक्टेड इन सीरीज। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लेते हैं एक रेजिस्टेंस वायर ये हम लेते हैं, ये एक रेजिस्टेंस वायर, देखिए ये रेजिस्टेंस का सिंबल है। ऐसे में होता हर कोई वायर में कुछ रेजिस्टेंस होगा तो इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये रेजिस्टेंस है, मान लेते हैं इसकी वैल्यू है आर वन, ठीक है कुछ भी वैल्यू होगी R1। तो जनरली ओम्स में होता है, ये हो सकता है 1 ओम 2 ओम 3 ओम का रेजिस्टेंस होगा, वैसे ही एक और रेजिस्टेंस इसी से इसी के आगे कनेक्ट है, मान लेते हैं ये कनेक्ट है, ये है R2 और एक और रेजिस्टेंस कनेक्ट है इसके आगे, मान लेते हैं R3, ठीक है। और ये सारे जो रेजिस्टेंस है कनेक्ट हैं एक ही वोल्टेज सोर्स से, मान लेते हैं इसकी वैल्यू है V, ठीक है। अब क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल ये है, नेगेटिव टर्मिनल ये है, पॉजिटिव टर्मिनल से हमेशा करंट निकलता है और रेजिस्टेंस से होता हुआ वापस नेगेटिव टर्मिनल में जाता है। तो जितना करंट मान लेते हैं आई करंट यहाँ से निकला तो उतना ही करंट वापस नेगेटिव टर्मिनल में आता है, एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस हर एक रेजिस्टेंस से सेम करंट फ्लो होता हुआ जाता है। तो यही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, डिफरेंस जो है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में, सीरीज में सब रेजिस्टेंस में से सेम करंट फ्लो होता हुआ जाता है, इसमें कोई डिवीजन नहीं होता है, ठीक है। और इन तीनों रेजिस्टेंस का, जैसे हमने यहाँ तीन बनाया, तीन से ज़्यादा भी हो सकते हैं, चार पाँच छः कुछ भी हो सकते हैं, तो सभी रेजिस्टेंस का यदि हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं तो जो उसकी वैल्यू आती है, इक्विवेलेंट मतलब टोटल रेजिस्टेंस का क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस एंड सो ऑन अप टू आर एन नंबर, अगर एन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो ये है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो ये हुआ सीरीज कॉम्बिनेशन, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। वैसे ही हम देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्शन डिफरेंट होता है, यहाँ पे हमने सीरीज में इसको लगा के रखा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम रेजिस्टेंस को पैरेलली लगाते हैं। अब देखिए यहाँ फिर से हमने तीन रेजिस्टेंस लिया है, बट इस बार जो कनेक्शन है यहाँ पैरेलल ही है, देखिए ये एक दूसरे के पैरेलल आपको दिख रहे हैं और जो वोल्टेज सोर्स है तीनों के अक्रॉस पैरेलली लगा हुआ है। पैरेलल कनेक्शन में सभी रेजिस्टेंस को सेम वोल्टेज मिलता है वी, लेकिन सीरीज कनेक्शन में क्या है, वोल्टेज डिवाइड हो जाता है क्योंकि सीरीली लगे हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए वोल्टेज सभी में सेम होगा, लेकिन इस पॉइंट पे आके मान लीजिए करंट है और यहाँ पे पहुंचा करंट, तो यहाँ पे तीन उसको रास्ते मिलेंगे करंट को, तो तीन रास्ते में तीन पार्ट में डिवाइड हो जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द रेजिस्टेंस। तो मान लीजिए यहाँ पे ये आई वन हुआ, यहाँ पे आई टू हुआ, यहाँ पे आई थ्री हुआ, तो अब रेजिस्टेंस आर वन से आई वन करंट फ्लो होगा, आर टू से आई टू एंड आर थ्री से आई थ्री फ्लो होगा। तो यहाँ देखिए अलग अलग करंट अलग अलग रेजिस्टेंस में फ्लो हो रहा है, इन केस ऑफ सीरीज में क्या था, सेम करंट था, यहाँ आके तीनों फिर मिल जाएंगे, तीनों का सम फिर आई हो जाएगा और वापस यहाँ नेगेटिव टर्मिनल में करंट आ जाएगा। तो इस तरह से पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, और इसका भी यदि इक्विवेलेंट बनाया जाए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला जाए, तो जो उसकी वैल्यू आती है, इसमें हम लेते हैं रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस will be equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3। तो इस तरह इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसी भी पैरेलल सर्किट का निकाला जा सकता है। तो ये हुआ सीरीज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब हम देखेंगे कि इसके ऊपर बेस्ड कैसे क्वेश्चन आते हैं।
तो ये देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें पूछ क्या रहे हैं क्वेश्चन में, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड द टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। एक सर्किट डायग्राम दिया हुआ है, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, इसमें वायर रेजिस्टेंस और वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है। तो देखिए इसमें आपको पहले समझना है कि जो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं कौन से रेजिस्टेंस है जो सीरीज में कनेक्टेड है, कौन से रेजिस्टेंस है जो पैरेलल कनेक्टेड है। तो सबसे पहले ये देखिए आपको जो 8 और 8 ओम का रेजिस्टेंस दिख रहा है ना, पैरेलल है एक दूसरे के, और ये जो है ये अलग से लगा हुआ, तो ये पैरेलल नहीं है। तो हमें इसमें क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप करना है। जब भी आपको कनेक्शंस मिलेंगे जिसमें सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन एक साथ दिया हुआ सर्किट में, तो सबसे पहले आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन ही सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम इसका, इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो 8 और 8 का आपको इक्विवेलेंट निकालना है, मतलब यहां पे R1 और R2 की जो वैल्यू दी है ये 8 है, तो हम R1 इज इक्वल टू 8 लिखेंगे और R2 भी इज इक्वल टू हमारा 8 है, दोनों ही इक्वल दिया हुआ है। अब देखिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन केस ऑफ पैरेलल कनेक्शन का ये फॉर्मूला है, 1/R equivalent इज इक्वल टू 1/R1 + 1/R2। अब दो रेजिस्टेंस है इसलिए आपको R1 और R2 यहाँ हमने लिया है, तो 1/R equivalent विल बी इक्वल R1 और R2 की वैल्यू यहाँ पे 8 है, तो हम 1/8 + 1/8 करके प्लस कर देंगे, LCM इनका 8 होगा, ऊपर 1 + 1 विच इज इक्वल टू 2/8 और ये कट जाएगा, तो ये हो गया 1/4। ठीक है, तो 1 एक्चुअली ये क्या है, 1/R equivalent है, ठीक है, इज इक्वल टू 1/4, इसका ये मतलब होता है R equivalent विल बी इक्वल टू 4 ओम। ठीक है, तो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट जो आ रहा है 4 आ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, इन द नेक्स्ट स्टेप हम ये दोनों को रब कर सकते हैं, ये दोनों रेजिस्टेंस को हम यहाँ रब करेंगे और इन दोनों का जो इक्विवेलेंट आ रहा है उसको यहाँ पे जोड़ देंगे एक रेजिस्टेंस से। इन दोनों का जो रेजिस्टेंस है उसको यहाँ मिटा के हम कर रहे हैं, इसकी वैल्यू रख रहे हैं 4। ठीक है, तो ये जो रेजिस्टेंस है ये हमको मिल गया 4 ओम। अब देखिए, अब आपको दिख रहा है ये 6 ओम और 4 ओम, ये क्या है, ये सीरीज में कनेक्टेड है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आपको सीरीज का फॉर्मूला लगाना है। तो उसको लगाने के लिए पहले हम इसको रब करते हैं, फिर उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अब नेक्स्ट केस में देखिए, यहाँ R1 और R2 को आपको क्या लेना है, 6 और 4 ओम। तो यहाँ हम लेते हैं R1 इज इक्वल टू 6 ओम एंड R2 विल बी इक्वल टू 4 ओम। अब यहाँ सीरीज का फॉर्मूला लगाएंगे, तो R इक्विवेलेंट इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन of this circuit will be equal to R1 plus R2 and R equivalent will be equal to R1 R2 की value रख देंगे, यानि 6 + 4 which is equal to 10 ओम। तो जो इसकी इक्विवेलेंट वैल्यू आ रही है वो 10 ओम आ रही है, यानी पूरा सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो पूछा गया है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है सर्किट का, दैट विल बी 10 ओम। तो ये एक पार्ट था क्वेश्चन का, दूसरा पार्ट क्या था, टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। ये पूरे सर्किट में कुछ ना कुछ तो करंट फ्लो हो रहा होगा ना, तो ये करंट की वैल्यू क्या है ये हमको निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ओम्स लॉ का एप्लीकेशन करते हैं, वी इक्वल टू IR। तो V क्या है, टोटल वोल्टेज सप्लाइड, टोटल वोल्टेज देखिए कितना सप्लाइड है, 20 वोल्ट, विच इज इक्वल टू I × R। R का मतलब क्या है, इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस जो हमने निकाला है ये है 10। अब देखिए बड़ा ही आसान हो गया, 20 को 10 से डिवाइड कर देंगे तो I की वैल्यू आ जाती है 20/10, ये 0 0 कट जाएगा, केवल बचेगा 2 और ये जो है इसकी यूनिट होती है एम्पियर, तो हम करंट लिखेंगे 2 एम्पियर और रेजिस्टेंस हो गया 10 ओम। ठीक है, तो आया ये क्वेश्चन समझ में। तो ये हमने एक सिंपल सर्किट किया था, इसी तरीके के अलग अलग तरह के सर्किट आपको मिल सकते हैं, तो इसका एक और क्वेश्चन हम करके देखते हैं। तो ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे सर्किट डायग्राम दिया हुआ है और इसमें क्या पूछा है, फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट एंड टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू इट। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग आपको कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस दिख रहा है, तो सबसे पहले आपको चेक करना है कौन से रेजिस्टेंस पैरेलल है, कौन से सीरीज है। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा 10 और 40 जो ओम का जो रेजिस्टेंस है ये पैरेलल में दिख रहा है, साथ ही साथ 30, 20 और 60 ओम ये जो रेजिस्टेंस है ये भी पैरेलल है, और यहाँ पे जो बैटरी जो है वो वोल्टेज सप्लाई जो 30 वोल्ट का यहाँ पे दिया हुआ है। ये जो सिंबल है ये एक्चुअली इसे हम की बोलते हैं, कि यहाँ पे आप लगाते हैं तो सर्किट कनेक्ट होता है, करंट फ्लो होता है, और की निकाल देते हैं तो फिर करंट स्टॉप हो जाता है। तो ये देखिए ये आपको एक सर्किट दिया हुआ है, अब इसमें हमें क्या करना है, रेजिस्टेंस निकालेंगे हम। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे, पैरेलल का फॉर्मूला लगा के और फिर इसका निकालेंगे। ठीक है, तो जो इन दोनों का आंसर आएगा फिर वो बन जाएंगे सीरीज में। तो वो कैसे बनेंगे तो हम करेंगे उसको बाद में, लेकिन सबसे पहले आप इसका पैरेलल का फॉर्मूला लगा के इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे और इसका निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं इन दोनों का निकालना चाहता हूँ, तो
इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या आएगा, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 40। ये हो गया आर वन, ये हो गया आर टू, तो 1 अपॉन आर वन 1 अपॉन आर टू को इस तरीके से हमने कर लिया। अब इसका जो एलसीएम होगा, एलसीएम विल बी 40 और यहाँ कितना हो जाएगा, 4 प्लस 1 विल बी इक्वल टू 5 बाय 40। अब इसको आप कैंसिल कर सकते हैं, तो 5 अंदर 5, 5 एट जब 40, तो 1 बाय आर इक्विवेलेंट है 1 बाय 8, तो इसका मतलब क्या हो गया, आर इक्विवेलेंट विल बी 8 ओम। यानी 10 और 40 का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रहा है वो 8 ओम आ रहा है, तो इसका ये भी मतलब है कि हम इसको हटा के अब एक रेजिस्टेंस निकाल लगा देंगे यहाँ पे, जिसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 8 ओम। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इसको एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा दे रहे हैं हम, और जिसकी वैल्यू होगी 8 ओम। ठीक है, तो मैंने तो यहाँ रब करके लगा दिया, लेकिन जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा, आपको यही सर्किट दोबारा बनाना पड़ेगा विथ 8 ओम। ठीक है, आई बात समझ में। अब देखिए, अब ये जो तीनों रेजिस्टेंस है, अब हमें इसका भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, तो इसको मैं फिलहाल यहाँ रब कर देता हूँ। अब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको निकालना है, तो वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला 1 बाय आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय 30 प्लस 1 बाय 20 प्लस 1 बाय 60। अब इसका एलसीएम ले लेंगे हम, तो एलसीएम विल बी 60 और यहाँ कितना होगा, 32 जो 60 होगा तो 2, ये 3 प्लस 1, दिस कम्स आउट टू बी 6 बाय 60 और ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बाय 10। 1 बाय 10 का मतलब क्या हुआ, R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू है दिस विल बी इक्वल टू 10 ओम। तो इन तीनों का जो इक्विवेलेंट है वो आ रहा है 10 ओम। तो हम क्या करते हैं, अब इन तीनों को यहाँ से हटा देते हैं, तो इन तीनों को हमने यहाँ से हटा दिया और इसके जगह एक नया रेजिस्टेंस लगा दिया, एंड दिस रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू 10 ओम। ठीक है, तो अब ये हमको मिल गया है, दो रेजिस्टेंस हमको दिख रहे हैं, 8 और 10 ओम। अब आप देख के खुद बताइए क्या ये सीरीज है या पैरेलल है, तो आपको इजीली दिख जाएगा कि ये दोनों सीरीज रेजिस्टेंस है, आपको कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो अब सीरीज में क्या होता है, सिंपल एडिशन। तो आर इक्विवेलेंट इन केस ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस विल बी 10 प्लस 8 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 18 ओम। तो यही आपका टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट है जो पूछा गया है। तो फर्स्ट पार्ट हमारा आ गया है, अब सेकंड पार्ट हम इजिली से निकाल सकते हैं, करंट फ्रॉम फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। टोटल करंट निकालने के लिए वी हैव टू अप्लाई दी ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है, वी इज इक्वल टू आई आर, वोल्टेज डिफरेंस इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज देखिए कितना है सर्किट में, वोल्टेज इज 36 विच इज इक्वल टू आई इंटू आर, हमने जो निकाला है विच इज 18 ओम, यहाँ 18 लिख देंगे आप सिंपली। आई क्या हो जाएगा, 36 बाय 18, तो आई की जो वैल्यू है 36 बाय 18 ये कट जाएगा, 18 टू जो 36 होता है दैट इम्प्लाइज जो करंट होगा विच इज इक्वल टू 2 एम्पियर इन दिस केस। तो टोटल करंट जो सर्किट में फ्लो हो रहा है वो 2 एम्पियर का फ्लो हो रहा है, एंड द रेजिस्टेंस कम्स आउट टू बी 18 ओम। तो आया समझ में। तो इस तरीके से हम जो है डिफरेंट क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हमको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है ये पता होना चाहिए कि कौन से रेजिस्टेंस सीरीज में लगे, कौन से पैरेलल में लगे हुए हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब आपको काफ़ी जो चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो अब मैं होमवर्क के लिए आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके लिए मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। इसमें पूछा क्या है, इन द सर्किट गिवन बिलो फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट एंड द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू इट। तो यहाँ देखिए आपको एक सर्किट दिख रहा है, एक काफ़ी एलेबोरेट सा सर्किट है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें, पहले मैं आपको एक बार बता देता हूँ। यहाँ पे एक बैटरी लगा है 12 वोल्ट का, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, इसका नेगेटिव टर्मिनल है, और इसमें बहुत सारे रेजिस्टेंस है। देखिए ये 1 ओम 1 ओम, 8 ओम, 1 ओम, 6 ओम, 4 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम, ये सारे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। तो इस सर्किट में सबसे पहले तो आपको टोटल इसका रेजिस्टेंस निकालना है कितना होगा। तो आपको पहले देखना पड़ेगा कौन सा सीरीज में है, कौन सा पैरेलल में, फिर उसके बाद आपको इसका टोटल करंट निकालना है। ठीक है, तो जिस तरह हमने पिछले जो दो क्वेश्चंस को किए हैं आपको इसको भी वैसे ही करना है। तो आपको इसको सॉल्व करना है, और सॉल्व करके जब फिर से मिलेंगे, क्लासेस रीओपन होंगे, आपको मुझे इसका सॉल्यूशन आपकी कॉपी में दिखाना है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड हैव अ नाइस डे।